विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट गुजराती में हमने अब तक न तक के व्यंजन देखे हैं, तो अब हम उसकी एक्सरसाइज लिखेंगे। तो आपको पेज नंबर निकालना है 47। पेज नंबर 47 में ये जो एक्सरसाइज है त थ द ध और न लिखने की, वो हम लिखेंगे। तो आपको भी पेज नंबर 47 में लिखना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है त, जो हम आगे सीख चुके हैं। त तलवार नो त, त से क्या बनेगा, त तलवार नो त। तो ये जो पूरी स्टैंडिंग लाइन है उसमें हमें त लिखना है। लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसी स्लांटिंग लाइन बनानी है, यानी कि क्रॉस लाइन बनानी है, बाद में स्लिपिंग लाइन, और ये हुई स्टैंडिंग लाइन। त तलवार नो त क्या बनेगा, त तलवार नो त। आपको ये बोलते जाना है और लिखते जाना है। त से और क्या क्या बनता है, त तरबूज नो त। त से ताजमहल भी बनता है। आप फटाफट से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर दीजिए। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आता है थ। त के बाद कौन सा व्यंजन आता है, थ। थ थड़ नो थ। अब हम इसे लिखते हैं। आप जब भी थ लिखिए तो उसको ऐसे ही सिंपल ही नहीं लिखना है, उसको थोड़ा आगे तक ले जाना है, यानी कि इस तरह का शेप बनना चाहिए। थोड़ा सा उसको आगे तक ले जाना है, बाद में उसको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, और एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो ये बनेगा परफेक्ट थ। थ थड़ नो थ। थ से क्या बनेगा, थ थड़ नो थ। उसको थोड़ा आगे तक लेना है, और बाद में थोड़ा सा हाफ सर्कल बना के स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ये बन गया थ। तो मैंने ये दोनों लाइन कंप्लीट कर ली, आप भी कंप्लीट कर लीजिए। थ के बाद व्यंजन आता है द। द दड़ा नो द। इसमें तो बहुत इजी है, आपको एक हाफ सर्कल बनाना है और उसी के साथ जॉइंट करके दूसरा हाफ सर्कल बनाना है। तो ये बनेगा द। द दड़ा नो द। द से क्या बनेगा, द दड़ा नो द। द के बाद व्यंजन कौन सा आएगा, ध। ध ध जानो ध। ये आपको कैसे लिखना है, ये ब्लू लाइन के ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे क्रॉस लाइन बनाओ, बाद में उसको सर्कल बना दो, और यहाँ पे फिर से हाफ सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये बनेगा ध। आप जब भी ध बनाइए तो उसको थोड़ा सा क्रॉस लाइन जैसे बनाना है। अगर आप सीधे ही बना दोगे तो वो तो घ बन जाएगा, घ घर नो घ, लेकिन हमें क्या लिखना है, ध ध जानो ध। तो आपको ये इस तरह से लिखना है। अब बच्चों, लास्ट में हमने सीखा था न। ध के बाद कौन सा व्यंजन सीखा, न। न नगारू नो न। तो अब हम न लिखते हैं। देखिए, मैंने एक यहाँ पे लिख दिया है, चलो मैं आपको सिखा देती हूँ। एक सर्कल बनाओ, सर्कल तो बन गया। अब क्या करना है, एक स्लिपिंग लाइन बनानी है और एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया न। क्या बनाइए, न न नख नो न। हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे, त तलवार नो त, थ थड़ नो थ, द दड़ा नो द, ध धजा नो द, न नगारू नो न। तो यहाँ पे पेज नंबर 47 कंप्लीट होता है। आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हमने क से लेके न तक के जितने भी व्यंजन सीखे उसके ऊपर हमें एक्सरसाइज के 3 पेज दिए हैं, तो वो अब हमें कंप्लीट करना है। आप भी कंप्लीट करने लगे मेरे साथ। पेज नंबर 48, क्वेश्चन 1, चित्र ओळखीने तेनो पहलो अक्षर लखो। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं पूरे पेज में, तो पिक्चर देख के आपको उसका फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है वो लिखना है। तो सबसे पहला पिक्चर कौन सा दिया है, गणेश भगवान का। तो ग से क्या बनेगा, गणपति, राइट। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखना है ग, तो वो आपको इस तरह से लिखना है, ग गणपति नो ग। तो आपको इससे फर्स्ट लेटर लिखना है, इसलिए आपको यहाँ पे ग लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड पिक्चर कौन सा दिया है, स्पून का। लेकिन स्पून को गुजराती में क्या कहते हैं, आपको याद है, चमची, च चमची नो च। च को क्या कहते हैं, च चमची नो च।
तो ये स्पून का पिक्चर है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर होगा च, चमचीनो च, यहाँ पे च लिखना है, लिख दिया। अब दूसरा यहाँ पे पिक्चर है ठग का, यानी कि बदमाश व्यक्ति का, जो बुरा व्यक्ति है, तो उसे क्या कहते हैं, ठग, ठ से ठग। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ठग, आपको भी ठ लिख देना है। अब है स्कूल बैग का पिक्चर, स्कूल बैग को गुजराती में कहते हैं दफ्तर, क्या कहते हैं, दफ्तर, तो हमें क्या लिखना है, द, वो भी आपने लिख लिया। अब हम देखते हैं आगे का पिक्चर, नगारू, इसे क्या कहते हैं, नगारू, तो नगारू में फर्स्ट लेटर आता है न, आपको यहाँ पे न लिखना है। अब पिक्चर है छतरी का, यानी कि अम्ब्रेला, तो उसे क्या कहते हैं, छ, छतरी, नो छ, आप जब भी ये लेटर लिखिए तो ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच करना है आपको, बड़ा लेटर लिखना है, छोटे से लेटर में आंसर नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है। अम्ब्रेला यानी कि छतरी, तो क्या लिखना है, छ, लिख दिया। अब पिक्चर है थर्मोस का, तो उसे क्या कहते हैं, थर्मोस, हमें लिखना है थ, आपको ये थ लिखना है। और आंसर में लास्ट दिया है डमरू, क्या दिया है, डमरू, ड, डमरानो, ड। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 48 में फिलअप करने हैं। इसके आगे का पेज है मैचिंग का। अब हमें पेज नंबर 49 पे मैच करना है, चित्र ने तेना पहला अक्षर साथे जोड़ो। अब यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं, तो पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर होता है वो यहाँ पे आपको ढूंढना है। अब सबसे पहला दिया है क, क्या दिया है, क, तो क, कमल, नो क, यहाँ पे कमल यानी कि लोटस का फ्लावर कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड नंबर पे, तो इस डॉट को आपको इस डॉट के साथ जॉइंट करना है। इस यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए, बॉक्स के अंदर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको डॉट टू डॉट तक मैच करना है। और ये आप जब भी मैच करें तो स्केल लेके ही करना है, स्केल के बिना आप करोगे तो मैं टोटली आपको वो आंसर रॉन्ग ही देने वाली हूँ, आपको एग्ज़ाम हो या बुक में, आपको स्केल लेके ही मैच करना है। चलो स्केल लेके क से कमल तक के मैच कर दो। उसके बाद दिया है ख, यहाँ पे ख, खजूर, नो ख, खजूर यानी कि डेट, खजूर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, डेट, तो ख को हमें खजूर के साथ मैच करना है। उसके बाद आता है ज, क्या है ये, ज, और यहाँ पे जग का पिक्चर है, तो ज, जग, नो ज, हमें ज को जग के साथ मैच करना है। उसके बाद दिया है ज, ज यानी कि जरणु, शू था है? जरणु, ज, जरणु, दोनों को हमें जॉइंट करना है। ये कर लिया, ये दोनों भी मैच हो गए। अब यहाँ पे तीन और पिक्चर दिए हैं और तीन लेटर भी दिए हैं, ट, न और ण। ट, यहाँ पे पिक्चर कौन सा है, टपाली, ट, टपाली, नो ट, टपाली यानी कि पोस्टमैन, ट, टपाली, नो ट, तो ट को हमें टपाली यानी कि पोस्टमैन के पिक्चर है उसके साथ जॉइंट करना है। अब दिया है न, न, नगारू, नो न, न, नगारू, नो न, ये भी जॉइंट हो जाए। बाद में दिया है अण, और यहाँ पे पिक्चर दिया है बाण यानी कि एरो का, तो हम जो धनुष के साथ जो अंदर बाण होता है ना, वो बाण है ये, यानी कि एरो है, तो ण और बाण, ण में जो ब, अण, बाण, नो अण, अण को हमें बाण के साथ मैच कर देना है। तो ये दोनों पेज आपको एक्सरसाइज में इस तरह से कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं आगे का पेज, पेज नंबर 50, चित्रना पहला अक्षर ऊपर सर्कल करो। जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे पिक्चर है वो आपको देखना है, और उसका फर्स्ट लेटर है वो आपको नीचे से ढूंढना है, और उसके ऊपर सही आंसर है उसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिया है ढोलक का, कौन सा पिक्चर है, ढोलक, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ड, ड और ठ, तो सही आंसर है ढोलक का ढ, बीच वाला है ड, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। बाद में दिया है तपेली का पिक्चर, तपेली का होता है त, यहाँ पे तीन ऑप्शन में त, न और थ, तो सही आंसर है त, त के ऊपर आपको सर्कल बनाना है। अब पिक्चर दिया है घड़ियाल यानी कि वॉच, उसे क्या कहते हैं, घड़ियाल, घ, घड़ियाल, नो ग, यहाँ पे दिया है ग, ख और ग, तो सही आंसर है ग, तो आप किसके ऊपर राउंड बनाओगे, घ के ऊपर।
ये हो जाए बाद में है जग का पिक्चर, कौन सा पिक्चर है जग, तो ज जग नो ज, लेकिन ज लिखो तो उसमें ज नहीं आता है ज आता है, इसलिए सेकंड नंबर सही आंसर है। उसके ऊपर सर्कल बनाने के बाद हमें देखना है नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर है पोस्टमैन का, पोस्टमैन यानी कि टपाली, ट टपाली नो ट, ट ठ और ड, तो सही आंसर है ट, उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है। अब पिक्चर है हाउस का यानी कि घर जिसमें हम रहते हैं, घ घर नो घ, यहाँ पे घ कहाँ दिख रहा है, घ क और ग, तो ये सही आंसर है, इसके ऊपर आपको राउंड बनाना है। अब पिक्चर है धनुष का, ध धनुष नो ध, तो फर्स्ट लेटर कौन सा है ध, वो आपको दिख रहा है सेकंड नंबर में, तो उसके ऊपर सर्कल बनाओ। और ये है ठग यानी कि बदमाश व्यक्ति का पिक्चर, तो बनता है ठ ठग नो ठ, ऑप्शन है ठ ढ और ड, सही आंसर है ठ, तो आपको सही आंसर के ऊपर सर्कल बनाना है। ये पूरा पेज भी आपने कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पे हमारा पेज नंबर 50 भी कंप्लीट होता है। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे हमारा सेम वन भी कंप्लीट होता है, सेम वन का सिलेबस है पेज नंबर 50 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो हम सेम टू यानि कि प पतंग नो प, वो व्यंजन स्टार्ट करने वाले, तब तक आपको पेज नंबर 50 कंप्लीट कर लेना है।